रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे, साथ साथ आप इसमें बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको वो तमाम चीज़ें सिखा पाऊँ जो कि आप लोगों को थोड़ी सी नहीं पता होती। सबसे पहले आपके साथ मेन्यू शेयर करूँगी आज का, कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश बिरयानी, फ़िश की बहुत सारी वेरिएशन की, तो इसको आज हम बनाएंगे बिरयानी में भी। और इसके साथ साथ आज हम बना रहे हैं स्टर फ्राई वेजिटेबल एंड चिकन। आज हमारा ये सैलड का प्लेटर होगा जिसको हम स्टर फ्राई करेंगे, चिकन को हम इसको मैरिनेट करेंगे लेदर से, इसको सॉस के अंदर, उसके साथ जो हमारी वेजिटेबल्स होंगी उसको हमें लेदर से कुक करके फिर उसमें मिक्स कर देंगे। तरीका का प्रोसेस का डिफरेंट है। इसके अलावा आज हम बनाने हैं बनाना ब्रेड केक। तो मेरा ख्याल है कि फिश का भी जो प्रोसीजर है वो भी साथ साथ स्टार्ट करती हूँ, और साथ साथ जो हमारी बनाना ब्रेड है उसको भी बनाना स्टार्ट करूँ ताकि वो हमारा बेक हो जाए। तो इसके लिए आपको जो सबसे पहले चाहिए होगा, आपको बटर चाहिए होगा। आप इसको बटर को हम कर लेंगे मेल्टेड बटर, साथ में हम इसमें एग्स ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि ब्रेक के बाद सामे खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, तो आपने कॉल्स भी करनी है, कोई सवाल है वो भी पूछने हैं। अच्छा जी, इस पर हम ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर है हमारे पास, साथ में आइसिंग शुगर और साथ में मेल्टेड बटर। हम इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, इसको मैं इकट्ठा ही सबको मिक्स कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ फ्लावर पड़ा है, फ्लावर में बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं ताकि ये मिक्स करके इसको हम रख दें साइड पे। और यहाँ पे हम पहले एग्स को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ साथ आपको बनानास चाहिए होंगे। मैं बनानास को भी छिलका मैंने उतार के इसको हल्का सा मैश करती हूँ, और मैश करने के बाद हम इसमें और इसको मिक्स करेंगे। इसके अलावा आपको कॉफ़ी पाउडर चाहिए होगा, आप कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अभी हमने मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर मिक्स किया है, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, इसमें हमने आइसिंग शुगर मिक्स की है, एग्स मिक्स की एंड मेल्टेड बटर मिक्स की है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हल्की हल्की साथ साथ शुगर ऐड कर लेते हैं। साथ इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, जिसमें वनीला एसेंस आप हल्का सा डाल लें, लेमन जेस्ट डाल लें, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। कुछ तरह से हम मिक्स करेंगे इसमें अंडों को। अच्छा जी, हम यहाँ पे अंडों को अच्छे से मिक्स करके, अब यहाँ पे बस कुछ बनानास पड़े हैं, मैं चाह रही हूँ कि इसको भी हम थोड़ा अच्छे से मैश कर लें। इसको भी मैश कर लेते हैं अच्छी तरीके से, को मैश कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं आपको एक टिप बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा बनानास को मैश करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून दही ऐड करके तो इसको हम अच्छी तरह से मैश करते हैं। ये एक टिप है ताकि बनानास बड़ी क्विकली हो जाएंगे। इसको देखिए ज़रा, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसको चंक्स की सूरत में, चंक की सूरत में काटना चाहते हैं तो फिर आप इसको वो भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मैश करके इसमें ऐड करेंगे तो उसका ब्रेड में जो बनाना का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आप काट के ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसके साथ साथ फ़िश है, फ़िश को हमने जो मैरिनेशन की हुई है, जो कि हमेशा फ़िश की मैरिनेशन होती है, हम इसको मैरिनेट करेंगे, इसको लहरा से हम फ्राई करेंगे और इसका एक मसाला बना के इसको हम फ़िश में इसमें ऐड कर देंगे। और बाकी का जो हमारा प्रोसीजर बिरयानी का है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन इसके लिए आपको मैं बता दूँ कि आप जब भी फ़िश बिरयानी बनाएँ तो इसका ये ज़रूर ख्याल रखें कि आप जो फ़िश है ये मटन या चिकन या बीफ की नस्बत इसका जो पकने का टाइम है कंज्यूमिंग वो बहुत कम है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा टाइमली देख के फ़ौरन आप इसको फ्राई कर रहे हैं तो वो भी देख लीजिएगा तो उसके हिसाब से। यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें मिक्स करते हैं बनानास को, मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मेरे पास पड़ा है कॉफ़ी पाउडर, ये भी इसमें मिक्स कर देती हूँ मैं अच्छी तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे जो हमें पास पड़ा है फ्लावर उसको भी इसमें हल्का हल्का मिक्स करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे।
इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करते जाएँ और फिर इसको मेरे पास यहाँ सांचा पड़ा हुआ है उसको आप अच्छा हल्का सा ग्लेस कर लें, साथ में बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स करें, उसके साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए ये है जहाँ पे हमारी जिसमें बन रही है, इसमें आप फ्लेवर जैसे मैं कॉफ़ी का ऐड कर रही हूँ तो आप इसमें कॉफ़ी के साथ अगर कोई और आपको फ्रूट अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कॉफ़ी के बगैर ओनली फ्रूट्स अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें ओनली फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, इसमें पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैश करके तो ऐड कीजिएगा तो आपके केक के बैटर में ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसको हाथों की मदद से आप बीट कर लीजिएगा। ये देखिएगा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको मिक्स करने के बाद क्योंकि इसमें हमने बनाना ऐड किया हुआ है तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें ताकि ये अच्छी तरह से इसमें, ये देखिए इसमें मिक्स हो गया। इसको थोड़ा सा भी हम और बीट करेंगे। ओवन को मैंने ऑलरेडी गर्म करने रख दिया है ताकि ओवन थोड़ा सा प्री हीट गर्म हो जाए और जैसे वो ज़रा गर्म हो जाएगा उसका टेम्परेचर फिर हम इसमें बेक करेंगे। अगर आप ठंडे ओवन में गर्म करेंगे, ठंडे ओवन में कोई चीज़ बेक करेंगे तो आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, तो ये तो आपको बात हमेशा बताई हुई है, आप फिर से बता रही हूँ। ये इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ हमारे पास सांचा पड़ा हुआ है, इसको हम सांचे में मिक्स करते हैं जिसको हमने बेकिंग जो पेपर है वो लगाया हुआ है, जस्ट हमने इस पर ग्रीस किया फिर बेकिंग पेपर लगाया, उसके बाद हम इसको इसमें मिक्स करके इसमें हम इसको बेक करने रखते हैं। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया और इसको अब हम थोड़ा सा इसको अब मैं बेक करने रखूँगी और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है फ़िश बिरयानी की उसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसका भी थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, तो उसके साथ साथ ये भी बताती हूँ कि उसकी जो ग्रेवी है वो हम पहले बनाएंगे, उसके बाद जो फ़िश है उसको अलग से फ्राई करेंगे और फिर उसकी ग्रेवी हम इसको दम पर रख देंगे सिर्फ 5 to 7 minutes। उसके बाद जो हमारी रेसिपी का जो राइस के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हम इसको कर लेते हैं बेक। तो इसको मैं जब तक बेकिंग में रखती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको आपने कैसे करना है। ये लीजिए इसको भी हमने रख दिया और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि है फिश के साथ हम वो भी इसको कर लेते हैं रेडी। आप वैसे तो बोनलेस हर कोई खाता है लेकिन ये जो हमारी जो कांटे वाली मछली होती है इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया एज ए अगर आप फ्राई करके खाएं या फिर इसको बेसन लगा के खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ तो पसंदीदा एक शाम की ग़ज़ा में या फिर आप ये समझ लें कि वीकेंड पे अगर आपने खाना खाने जाना हुआ तो मछली ज़रूर खाते हैं। तो लेकिन हमने इसको कुछ नहीं लगाया, इसको हमने इसकी जो मसाले में जो ऐड किया है इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स जो फ़िश के होते हैं वो आपने हमेशा याद रखने हैं, वो कौन कौन से होते हैं। इसमें आपने हल्का सा डाला है लेमन जूस ऐड करना है, इसमें आपने लहसुन यानी कि आपने इसमें गार्लिक वो उसका पाउडर ऐड कर दें, फ्रेशली ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप इसमें ऐड करेंगे इसमें सिरका ऐड करें थोड़ा सा, इसके अलावा इसमें नमक, काली मिर्च, अजवाइन का पाउडर वो आपने अच्छे से मिक्स करने, आप इसमें चिलीज़ ऐड करनी है, रेड चिली साथ में ग्रीन चिली, तो ये गरम मसाला ये और साथ में ज़ीरे का पाउडर, ये आपने मसाले इसके इनिशियल हैं, ये जो आपने कोई भी फिश अगर आप बना रहे हैं आपने इसको ये लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद आपने इसको जो सीजनिंग देनी है या आपने इसको थोड़ी सी मैरिनेशन और करनी है, बैटर फ्राई फिश बनानी है या फिर आपने इसको जौन सी भी बनानी है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने बनाना है। हम यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे ग्रेवी के साथ और जो राइस के साथ इसकी जो बिरयानी इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम फ़िश बिरयानी के साथ खाएँगे क्योंकि आप फ़िश की एक वेरिएशन है तो इसको हम साथ साथ कर लेते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर फ़िश को मैं फ्राई करती हूँ और साथ साथ यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है और जैसे आपको पता है ब्रेक के बाद शाम में खाने हमको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो बनाना ब्रेड थी उसको हमने बेक करने रख दिया और जो फ्रेश थी उसको मैंने एक पैकेट तो फ्राई कर लिया, अब सेकंड इसका मैं फ्राई करने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि हमारे पास जो पड़ी हुई टमाटर प्यूरी, हम वो उसमें पहले ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी सी बनानी है। और साथ साथ आपको बता चलूँ कि सामे खान ने हमको ज्वाइन कर लिया है। हम सबसे पहले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ज़्यादा कौन जान सकता है कैसी। बिल्कुल। और इस सबसे बड़ी बात कि आज अगेन बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन आपने पहना हुआ, वाइट एंड ब्लू, हमेशा से फेवरेट। शुक्रिया यार, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये ऐसा है कि ये विंटर में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, विंटर में भी अच्छा लगता है। व्हाइट कलर में पता नहीं क्या रखा है। जी तो विंटर ही चल रहा है, विंटर में तो खैर बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट कलर में कुछ बरकत रखी है। हाँ, कि वो हर मौसम में जो है वो मज़े का लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सामा जी, आज का हमारा जो मेन्यू आपके साथ शेयर करते चलती हूँ, व्यूअर्स से तो मैंने शेयर कर लिया। आज हम बना रहे हैं बनाना ब्रेड और साथ में बना रहे हैं फिश बिरयानी, और इसके साथ साथ आज हम बना रहे हैं एज ए सैलड के तौर पे जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, स्ट्रे फ्राई वेजिटेबल्स होंगी, उसके साथ हम ऐड करेंगे चिकन जिसको अलग से मैरिनेशन करेंगे। तो ये आज का हमारा मेन्यू है जो कि आज हम बना रहे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। वाह जी वाह। तो सामा जी, जहाँ पे साथ साथ हमारे साथ कॉलर भी है जिन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ, हिरा। जी हिरा, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सामे भी हमारे साथ बैठी हैं, क्या कहेंगी? जी आज तो सामिया खान ने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, वेरी नाइस ड्रेस। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लग रही है। हाय बाबा, बस अब फ्लाइंग हाय, अब मैं शोर ही होगा मेरे से। नहीं आप माशाल्लाह शो भी बहुत ही अच्छा करती हैं और काफी डिटेल में बताती हैं। हाय, बस दुआ कर दिया करें हिरा जी, बहुत शदीद जरूरत है दुआओं की। बिल्कुल हाँ जी जी, मेरा स्टार भी आप वाला है तो मैं भी बीमार ही रहती हूँ। ओए मैं सदके जाऊँ। कुछ टोन अपना पहनो ना हिरा, मैंने मुझे लगता है आप हमें पहले भी कॉल कर चुकी हैं। जी जी, मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है। तो हिरा स्टोन क्यों नहीं पहना? आप मुझे याद रखें, मैंने वही तो कह रही हूँ, स्टोन क्यों नहीं पहना अपना? मैं अभी ले नहीं सकी जाके क्योंकि मुझे पीछे काफी ज्यादा तबीयत खराब थी तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकी। ओहो, आज बताओ आज क्या हुक्म है आपका? आज मैं अपनी सिस्टर के लिए पूछना चाहती हूँ। ओके ठीक हो गया। तारीख पैदाइश? जी उनकी है 20 अगस्त 1980। एक सेकेंड हेरा, 20 अगस्त 1980। और पाकिस्तान में पैदा हुई थी हेरा जी? ये जी पाकिस्तान में पैदा हुई है रात के 11:30 बजे। रात के 11:30। और नाम क्या है बहन का, अगर नाम बताना चाहें तो पहला हरफ बता दें। यू से शुरू होता है उसका नाम। यू से, ठीक हो गया जी। एरीज में नाम आ गया। अब आप मुझे बताएं इनके बारे में, क्या प्रिसाइज सवाल बताओ ताकि पूरा जायचा डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है हिरा जी। अच्छा चलें, आप मुझे इनके लिए सिर्फ दो आंसर दे दीजिए। एक तो इनकी शादी को तकरीबन 16 साल होने वाली है, इनकी औलाद नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये वैसे टीचर हैं तो इसके लिए कौन सी जॉब ठीक रहेगी, और अगर टाइम अगर आपको हुआ तो आप ये बता दीजिएगा कि अगर इसका बाहर के लिए अप्लाई करें तो ये इसका वीजा लग जाएगा या नहीं लगेगा, इसके लिए बेहतर है या नहीं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया हिरा कॉल करने के लिए और तारीफ करने के लिए, मूड ही अच्छा हो गया, हालांकि बीपी लो हो रहा था एकदम हाई हो गया। थैंक यू सो वेरी मच हिरा जी। अच्छा जी, यू के बारे में आपने हमसे सवाल किया। एक तो मैं इनसे आपको ये तसल्ली दे दूं कि ये एक अच्छी डेस्टिनी लेके पैदा हुई हुई हैं। अब जिस वक्त में एंटर ये हो गई हैं, आप अब दवा और दुआ दोनों करें, और आपने मेरा एक काम करना है कि कुछ अरसे के लिए आपने इनको फिरोज़ा पहनाना है। अच्छा, फिरोज़ा टर्कवाइज इंग्लिश में कहते हैं,
और फिरोज़ा इसकी उर्दू है। तो आपने ये करना है कि सीधे हाथ की फिंगरिंग बना दें, लेकिन 3 रत्ती या 3 कैरेट से वज़न अबव होना चाहिए, 3+ होना चाहिए, और या लॉकेट की तरह गले में। लेकिन अगर इनका पेट अपसेट हो जाए, आपको लगे कि पेट में प्रॉब्लम आ रही है, पेट में कोई इशू का दर्द का इशू, आपने फौरन फिरोज़ा इनके पास से हटा देना है। तो ये मेरा पहला इलाज फिरोज़ा भी है, लेकिन मैं साथ ही आपको बता रही हूँ कि अगर वो इस किस्म का रिएक्ट करे तो आपने फिरोज़े को फौरन उनकी हदूद से भी दूर कर देना है। दूसरा ये कि आपने कहा टीचिंग इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है, और इनको मैं कहूँगी कि टीचिंग इनके ब्लड में है, ये इंजॉय करती है, कैथारसिस है इनका टीचिंग जो है। तो मैं तो इनको बिल्कुल आपको चेंज करने को नहीं कहूँगी, बड़े दिल से पढ़ाने वाली खातून है ये, कि वो नहीं है कि अपना काम लापरवाही से करती हूँ। दूसरा ये कि आपने सोचा पूछा कि बाहर जाने वाला सवाल, तो बिल्कुल बाहर की कोशिश अभी से शुरू कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको किस्मत ने ले के चले जाना था, और 6 नवंबर 2018 जो भी अभी गुजरी है वहाँ से वो रिकावट भी हट गई है, कि अगर ये कोशिश करती हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। तो मेरा ख्याल है हिरा जी, मैंने तीनों सवाल को कवर किया है, फिर भी अगर तश्नगी रह जाए, को लगे कि तसल्ली नहीं हुई, हम फिर भी हाजिर हैं। अल्लाह का शुक्र है बुढ़ापा लेके पैदा हुई हैं, और जो है अल्लाह ताला इसका, मेरा नहीं ख्याल कि आपने इस वक्त जो मैंने तो फिरोज़ा अपनी तरफ से इलाज बताया, जो डॉक्टर का इलाज है वो भी शुरू कर दें, क्या पता अल्लाह पाक ट्विंस का करम कर दें, तो ये उसके करम की हद है, वो छप्पड़ फाड़ के भी दे सकते हैं आपको। तो ये वाला साल बहुत एक बेहतर टाइम में एंटर हो गई हैं जी। मुनीरा जी, जी सामर जी, काफ़ी अच्छी आपने हीरा को दे दी, दुआ भी दे दी। मैं चाह रही थी कि जो हमारा सेकंड रेसिपी मैंने स्टार्ट कर दी हुई थी फ़िश बिरयानी की, व्यूअर्स, जिसमें फ़िश को हमने मैरिनेशन ऑलरेडी की थी, और उसके अपने ग्रेवी सी जो टमाटो प्यूरी अनियन के साथ मिक्स करके हमने इसको इस पर मिक्स कर दिए, ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए अपनी ही ग्रेवी के अंदर, क्योंकि हम इसकी फ़िश बिरयानी बना रहे हैं तो उसको हमें इसकी ग्रेवी में ही कुक करेंगे। और ये भी जैसे कि ये अभी पक रही है तो इसके साथ थर्ड रेसिपी वो भी स्टार्ट की, लेकिन मैं चाहूँगी उससे पहले आप जो फ़िश बिरयानी उसका देख लें रेसिपी कार्ड। यहाँ पे हमारी फ़िश बिरयानी बन रही है, थर्ड रेसिपी भी हमें स्टार्ट करनी है जो कि वेजिटेबल्स की है। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी है सामिया जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं सुमरेज मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ जी। सुमरेज, क्या कहना चाहेंगी? आपकी रेसिपियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं हर वक्त देखती रहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। तो मैंने ना सामने हाँ से बात करनी है। जी जी जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम शमरेज। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र शमरेज, आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। नाम किसने रखा? मैंने ना पता नहीं किसे रिश्तेदार ने रख दिया था। नहीं, मुझे डिफरेंट लगा, अच्छा लगा कान को, ऐसा नहीं है। नहीं मुझे पता पसंद नहीं है आपको? मैंने जी, आपको अपना नाम पसंद नहीं है शमरेज? नहीं पसंद नहीं है। अच्छा, ये लड़कों का नाम है। किसका जायचा बनाना है हमने? मैंने ना अपनी बांजी का बनाना है। ठीक है, उनकी तारीख पैदाइश दें। उसकी तारीख पैदाइश है 9/9/1992। 1982। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए शमरेज की पाकिस्तान में पैदा हुई थी भांजी? नहीं, वो सऊदी अरब में पैदा हुई थी रात के 9 बजे। तो पाकिस्तान में क्या होगा, 1 या 2 घंटे पाकिस्तान आगे है, रात के 10 या 11 होंगे? 11 बजे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बताएं भांजी का नाम और सवाल शमरेज जी। उसका नाम है इशरत।
ठीक हो गया। और सवाल क्या है इशरत के बारे में? उसका सवाल है कि उसको ना आईटी में जॉब चाहिए, वो मिलेगी या नहीं, और दूसरा उसके घर हालात ठीक रहेंगे, घर के हालात। डन हो गया। थैंक यू सो वेरी मच शमरेज जी, क्योंकि मुनीरा जी ने ब्रेक लेनी है और सवाल आपने स्क्रीन नहीं छोड़नी है, क्योंकि ब्रेक के बाद जवाब आपका इंशाल्लाह यहाँ तैयार होगा। जी मुनीरा जी, व्यूअर्स यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक के बाद जवाब भी देंगी और साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो भी उनके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो हमारी फ़िश पे रहनी है वो पक रही है, बल्कि इसको मैं अब इसको दम पे लगाऊंगी, और जो बनाना ब्रेड है वो पक रही है। इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी जो कि स्टे फ्राई वेजिटेबल्स हैं इन चिकन, उसको मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ साथ साथ। और इसके साथ साथ सामा जी आपको बताती चलूँ कि जो हमारी फ़िश की रेसिपी थी वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट होगी, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है। तो यही बताती कि आप जब भी फ़िश की बनाने में तो फ़िश को ज़्यादा टाइम मत दें, वरना वो ये कि वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो चिकन के लिए मैंने आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या ऐड किया। इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया, इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च एक टेबल स्पून वो उसमें मैंने ऐड की, इसके साथ इसके अलावा इसमें चिली सॉस ऐड की, साथ में आपने इसमें थोड़ा सा ऐड किया विनेगर, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक पाउडर ऐड करें तो आपका ये ज़बरदस्त आपकी ये इसमें मैरिनेशन हो जाएगी चिकन की। इसको मैं फ्राई करूँगी और साथ ही इसको निकालूँगी, उसके बाद जो मेरे पास वेजिटेबल पड़े हैं उसको हम स्टर फ्राई करेंगे इन सॉस के साथ, जो स्टर फ्राई सॉस होगी, और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। तो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आपका ये प्लेटर बन जाएगा सैलड का। तो साथ साथ मैं सब तक सामा जी इसको करती हूँ, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मुनीरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं हुमैरा बोल रही हूँ, ब्रेडफोर्ड से। जी हुमैरा, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? बस हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को, नया साल अच्छा गुजरे आप लोगों का। हाँ थैंक यू सो मच, अब तो नए साल के माशाल्लाह से काफी दिन गुजर गए हैं। मैं लास्ट वीक भी कर रही थी, नहीं मिला इसलिए आज मिला। अच्छा 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 ठीक है, और क्या कहना चाहेंगी? सामा जी भी हमारे साथ हैं। जी सामिया जी से बात करनी है। जी जी करें। जी हुमैरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र हुमैरा जी। जी मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी हुमैरा, डेट ऑफ बर्थ पता है ना? 20 जी जी हाँ 26 अप्रैल 26 अप्रैल 1978 और वक्त पैदाइश का कभी आइडिया दिया उन्होंने, कब पैदा हुए थे? जी ये पाकिस्तान का टाइम है 11:30 रात के। पूरी इंफॉर्मेशन है खामिल की तुम्हें है। लेकिन यहाँ के लोगों को टाइम याद होता है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि इनका नाम क्या है हुमैरा मजाजी खुदा का, और सवाल क्या है इनका? मोहम्मद रिजवान। ठीक हो गया, और सवाल क्या है हुमैरा जी? मैंने ये पूछना है ये नया साल कैसा गुजरेगा हम लोगों के लिए? वाह वाह, मनु औखे चिपा दिया करो तुम हैं। ठीक हो गया। हाँ बस इनको जी कोशिश करती हूँ, ठीक है, लेकिन ये जरा मुश्किल हो जाता है पूरा साल कवर करना। अगर कोई और प्रिसाइज सवाल हो खुद से बता दूं? कुछ जी जी किया था कि जॉब के लिए ना, तो वो लेकिन इनको मिली नहीं है, आप कह रहे थे मिल जाएगी लेकिन नहीं मिली, अल्लाह किस्मत की बात है ना। ये कब की बात है? नवंबर की बात है। चले हुमैरा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए,
और जवाब इसमें से ढूंढते हैं कि क्यों उसमें देर हो रही है, क्यों उनका काम नहीं हो रहा यहाँ पे, जबकि सितारों ने इतने अच्छे एस्पेक्ट्स लगाए हुए हैं। और यकीन करें कि इनका जॉब हाउस बहुत अच्छा है, इनको हमेशा नौकरी की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और 8 नवंबर 2018 से ये अपने एक बेहतर वक्त में एंटर हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ है हुमैरा जो 2019 में इनके लिए बार बार इंडिकेट होती है कि 25 जनवरी से ऑनवर्ड्स जो है इनको अपने माली हालात में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन जो है थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा इनको। लेकिन ये आप यकीन रखें कि इनके जो पैदाइशी जायचा है उसमें इनका खाना माल इतना अच्छा है कि मैं कहूँगी कि प्राइस बॉन्ड्स हो गए वहाँ पे, तो और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लक ट्राई करते रहा करें, रब कभी भी छप्पर फाड़ के आपको दे सकता है, क्योंकि इसमें जुपिटर एग्जॉल्टेड खाना माल में लेके पैदा हुए। ज़िंदगी में इनकी माल की कमी कभी नहीं आने लगी इंशाल्लाह बहुकम खुदा। आपके मामले में वैसी खुशकिस्मत है कि आप बहुत अच्छी बीवी हैं उनके लिए, लेकिन जॉब हाउस इतना अच्छा है कि मैं यकीन करें कि मैं बड़ी तसल्ली में हूँ उनके लिए। लेकिन ये वाले साल में हो सकता है किसी ऐसी जॉब हो कि जहाँ पे थोड़ा सा सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना पड़े, या हो सकता है ख़र्चे बढ़ जाएं, ये तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह मियाँ टेस्ट कैसे लेंगे। लेकिन जो एक पंच लाइन है कि 19 वाले साल में माली हिकमत अमली बना के चलना पड़ेगा, लेकिन आपकी तरफ से भी इंशाल्लाह उनकी लक सपोर्ट करेगी, लोगों का भी उनको तआवुन मिलेगा। हो सकता है उनको अपने ज़ाती काम की बिगनिंग या उनको एक बूम या एक वो मिले, कहते हैं ना एक बेस मिल जाए कि अपना ज़ाती काम की बिस्मिल्लाह कर सकें। आपके लिए जो एक खुश होने वाली बात है कि खुदा की वो एक खुश नसीब बात नहीं है, तो ये अच्छी बात है। सिर्फ उनसे कहा करें कि अपनी दोस्तों की कंपनी ज़रूर ज़रा उसमें छांटी कर लिया करें, क्योंकि उसमें ज़रा सा उनको मोहताज चलने की ज़रूरत है दोस्तों की सिलेक्शन में। जी मुनीरा जी, सामिया जी, और यहाँ पे एक सेकेंड, फिरोज़े का पत पहनना चाहें, फिरोज़ा इंग्लिश में टर्कवाइज कहते हैं, सॉरी मुनीरा चले जी। व्यूअर्स, यहाँ पे हम बना रहे थे और रेसिपी जो कि स्ट्रेट फ्राई वेजिटेबल एंड चिकन, चिकन को मैंने मैरिनेट किया, उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेट फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ से निकाल के इस पैन में से, तो इसके बाद जो मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं उसको मैं स्ट्रेट फ्राई करूँगी स्ट्रेट फ्राई सॉस के साथ। ये मेरे पास स्ट्रेट फ्राई सॉस पड़ी हुई है, साथ में इसमें सीजनिंग आप ऐड करेंगे ब्लैक पेपर के साथ या फिर सॉल्ट के साथ। उसके बाद हम इसको जो चिकन है वो मिक्स करके फिर इसको हम स्लैक के तौर पर सर्व करेंगे। आप इसको जब तक मैं फ्राई करती हूँ तब तक आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। यहाँ पे अभी चिकन स्ट्रेट फ्राई हो रहा है व्यूअर्स, और इसके साथ साथ जो हमने बिरयानी थी उसको मैंने दम पे रख दिया है, और इसके साथ साथ जो बनाना ब्रेड है वो भी बेक हो रही है, और इसके साथ साथ हमारे साथ कॉलर भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जिब्रान बात कर रहा हूँ, बर्मिंघम से, यूके से। जी जी जिब्रान, क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे सामिया खान से बात करनी है। जी जी करें। जिब्रान अस्सलाम वालेकुम। जी जिब्रान, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक, मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, आज मिल गया। चले मुझे असल में मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अपनी मैरिज लाइफ के बारे में पूछना है। मेरे वाइफ में थोड़े से, हम एक साथ रहना भी चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी ऐसा है कि हमारा कुछ बनता समझ नहीं लगती हम दोनों को कि हमारे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ये मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं? मैरिड लाइफ की ना? जी मैं शादी हूं जी। अच्छा जिब्रान, आप जी, मुझे अपनी मुकम्मल तारीख पैदाइश पहले दीजिए। और जी 21 जनवरी 1984। और पाकिस्तान में पैदा हुए थे आप? जी पाकिस्तान में पैदा हुए थे।
تو وقت پیدائش کا آئیڈیا ہے؟ وقت پیدائش کا نہیں پتا ہے, میں نے پوچھا نہیں ماما سے. اوکے ٹھیک ہو گیا. جبران جو ہے میں نے ابھی آپ کو خدا حافظ نہیں کہا کہ میں کچھ سوال تھوڑا سا آپ سے پوچھ لوں. مجھے یہ بتائیں کہ جو میرٹ لائف ہے یہ 2016, 2017 or 2018 ان تین سالوں میں سے خرابی والا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آئی تھنک یہ 16 کے بعد ہی ہو جاتا ہے. 16 کے میں سے جی ٹھیک ہو گیا. اور جبران جو ہے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. میں یہاں پہ بھی جواب ایک سوال کا جواب اور دے دیں, یہ خاتون آپ کی فیملی میں سے تو نہیں ہے؟ آئی تھنک کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جبران بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. اور جو خطرناک حالات تھے جبران وہ تو نکل گئے ہیں یہاں سے, جو بہت خطرناک ٹائم تھا. اب صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ والا سال جو ہے 19 والا سال ایک لو لائف کی جو ہے نا کمپیٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. ظاہر ہے جب اتنا برا زندگی میں ہو چکا ہوتا ہے تو دل صاف ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. میں آپ سے صرف کہوں گی کہ ہمت کر کے نا یہ والا جو سال ہے یہ تھوڑا سا برداشت کر کے دیکھیے. ایک تو کیونکہ میں نے آپ کا صبح 9 بجے کا وقت ڈالا ہے جس کے حساب سے مون صرف 0 ڈگری پہ ایکویریس کے اندر انٹر ہوا ہے, جس سے ایک خطرہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے 2 نکاح کا خطرہ یہاں موجود ہے. خیر بہرحال یہ والا سال آپ صبر سے تھوڑا سا نکالیں, اور اگر آپ کو اماں سے مزید ٹائم کی کنفرمیشن مل جائے, کیونکہ بالکل 0 ڈگری پہ سن ہے تو تھوڑی سی ہوتا ہے کہ ایک اگر آپ کہیں مڈ نائٹ میں پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں تو اس ستارے کی چال ہی بدل جائے گی, پھر تو کنفرم بریک اپ ہے. تو آپ نے مجھے ضرور اماں سے ٹائم پوچھ کے جو ہے دوبارہ کال بھی کرنی ہے. منگل اور بدھ ایوری ویک ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں آپ لوگوں کو, کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی تسلی جب تک نہ ہو ہم فون بند نہیں کرتے آپ کا. جی منیرہ. جی سامہ جی, یہاں پہ جو ویجیٹیبل سے اسٹر فرائی ویورس وہ میں آلریڈی کر رہی ہوں. چکن کو میں نے اسٹر فرائی کر کے نکال لیا ہے اور اس کو میں اسٹر فرائی کر رہی ہوں, اس کی اسٹر فرائی سوس کے اندر. اس کو بھی ٹائم لگے گا تقریباً 2 سے 3 منٹ, تو اس کو ساتھ ساتھ ہم اسٹر فرائی کر لیتے ہیں. اور اس کے یہاں پہ ویورس بریک کا بھی ٹائم آ چکا ہے, تو بریک کے بعد ہم جو اس کو رکھا ہے بنانا بریڈ کو وہ بھی نکالیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک. دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پکوان, جس میں فش بریانی کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے, ساتھ ساتھ جو بنانا بریڈ تھی اس کو بھی کر لیا ہے. تو سب سے پہلے میں اس کی گارنش کر رہی ہوں, جس میں میں نے ساری اس میں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد فش کے 2 پیسز اوپر رکھے ہیں, اور جو باقی کیشو نٹس ریزن اینڈ ایلمنڈس اس کے ساتھ ہم پوری اس کی گارنش کریں گے. تو بڑی رچ قسم کی آپ کی یہ بنے گی آپ کی یہ ریسیپی. تو اس کو ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں, آپ کو دکھا دیتے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ لیجیے, اور اس کے ساتھ جو ہم نے بنانا بریڈ بنائی تھی اس کو بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ جو بن رہی ہے ہماری اسٹر فرائی ویجیٹیبل اینڈ چکن, تو اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. اب اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں بریڈ کو. تو جب تک ویورز اس کو میں کٹنگ کرتی ہوں تب تک آپ اس کا بھی دیکھ لیں ریسیپی کارڈ. اس کو بھی ہم اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے, اس کو بھی ہم لگا کے اس کو گریٹر میں
अगर आप इस पर थोड़ी सी और करना चाहते हैं इसकी गार्निश, तो आप इसमें मेपल सिरप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको एज इट इज अगर आप रखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। ये हमारी है बनाना ब्रेड। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ सलाव से। मुझे हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो जी, समझ ही लगता है कॉल ड्रॉप हो गई, ये बड़ा मसला हो जाता है। वो है भी व्हाट्सएप कॉल्स होती है ना ज़्यादा वजह से। तो यहाँ पे सामे जी हमारी रेसिपीज भी कंप्लीट हो रही हैं, और ये जो वेजिटेबल की मैं वेरिएशन बताती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेजिटेबल खाती हैं उनको थोड़ी सी वेरिएशन मिल जाए। तो मेरे जैसे लोग हाँ, इस पर आप राइस भी, इस पर राइस भी ऐड कर सकते हैं। इसी में आप जो राइस बॉइल करके ना, इसी में ऐड करके मिक्स करके आप इसको खा लें। जो जो आपकी चीज़ें पसंद है, चने हो गए, मशरूम्स हो गए, कॉर्नस हो गए, इसी में ऐड करें आप, और साथ राइस ऐड करें, इनको मिक्स करें अपना। अच्छा, राइस लदा उबाल के बॉइल करके रख लें आप। राइस एक दफ़े बॉइल करके मिक्स करके दम कर दिया, राइस को अपने बॉइल करके रख लिया, और इसके साथ ही आप इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मुनीरा आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं ज़ेबा बात कर रही हूँ स्पेन से। जी क्या कहना चाहेंगी? शामिया आपकी से बात करना चाहूँगी। जी जी करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप ठीक है ना? हाँ जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, टीवी की आवाज तो नहीं ज्यादा ऊंची है क्या? पीछे शोर हो रहा है आपकी सराउंडिंग में। बच्चे खेल रहे ना, गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, फिर बच्चों को तो नहीं हम रोक सकते। जी मुझे बताइए। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछना था। किसके बारे में? बेस्ट फ्रेंड के बारे में। बेस्ट फ्रेंड के बारे में, ठीक हो गया। जी जी, ये मेरी डोमेन है, ये मेरी डोमेन है, इस पे तो मैं काम कर सकती हूँ। जी बताइए उनकी तारीख पैदाइश। 12 जुलाई 12 जुलाई जुलाई 1993 1993 जी जी। और उनकी वक्ते पैदाइश? वक्ते पैदाइश 6 या 7 के बाद का, 8:30 का। अच्छा, और नाम का बेशक पहला हरफ बता दें या नाम बता दें पूरा तो? जुलेखा बानो। जुलेखा, अच्छा जी, जुलेखा का जायचा तो मेरे सामने खुल गया। इनके बारे में सवाल क्या है आपका? मैरिज का ही है। शादी करनी है या क्या इशू है? जी जी करनी है। ये तो मेरा ख्याल आपने उनसे पहले भी सवाल किया था, है ना? जी जी बिल्कुल सामिया जी। हाँ मुझे देखिए, कुछ कुछ लोग याद आ जाते हैं, और मेरा वही जवाब है कि मैरिज हाउस बहुत अच्छा है। जब शादी है, देर से अगर भी हो रही है तो भी मैरिज हाउस क्योंकि अच्छा है, अल्लाह आंखें बंद करके आप इतबार कर सकते हैं। अगर मनपसंद भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उनके लव स्टार्स भी अच्छे हैं, उनका मैरिज हाउस भी जुलेखा का अच्छा है। तो ये कि कोई ऐसी यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे भी याद आ गया, मेरी हालांकि मेमोरी शदीद ख़राब है मुनीरा, लेकिन याददाश्त काम कर गए। नहीं नहीं बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। यहाँ पे हमारी जैसी रेसिपीज कंप्लीट तीनों होती हैं, साथ ही हमारा जाने का भी टाइम आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और सामिया खान को अपनी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।